जेन को बहुत भूख लगी है, ये स्नैक खाने का समय है, पर रेफ्रिजरेटर से इतनी स्मेल क्यों आ रही है? लगता है थोड़ी सफाई करनी चाहिए। और कोई खराब खाना नहीं, ये केला थोड़ा अजीब है, मुझे नहीं लगता इसकी तबीयत ठीक है। दही ठीक लगता है, खैर नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, पर कम से कम पिज्जा अच्छा लग रहा है। कौन इतनी स्वादिष्ट लाइस को मना कर सकता है? पर कोई भी एक्सपायर्ड चीज जेन के निर्दयी हाथों से नहीं बच सकती। ये केला कितने समय से यहाँ पड़ा हुआ है? हाँ, और लगता है पिज्जा भी खराब हो गया है। कूड़े में जाओ, तुम्हारी स्मेल बहुत बुरी है। दही का क्या? नहीं नहीं, डेट मत देखो, उम्र तो बस एक नंबर है। मैं अभी भी अपनी जिंदगी की सही स्टेज पर हूँ, पर जेन ना ही बुद्धू बनेगी और ना ही किसी की बातों में आएगी। एक्सपायरी डेट झूठ नहीं बोलती, ये शर्म की बात है, पर वो दही बिल्कुल खराब हो चुकी है, उसे फेंक ही देना चाहिए। ब्रैंडन के पास एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज है, बिल्कुल सही, एक बीन सैंडविच। यम्मी। ब्रैंडन, क्या तुम्हें यकीन है तुम बीन्स के साथ दूध पी सकते हो? लगता है उसे इन्हें एक साथ खाना पसंद है, पर उसके पेट को नहीं। मिल्क और बीन्स एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये पुराने दुश्मन हमेशा से पेट में अपनी जगह के लिए लड़ते आए हैं। उनमें से किसी एक को जाना होगा ब्रैंडन, तुम्हारी खुद की भलाई के लिए। इनके बीच लड़ाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीन्स और मिल्क की लड़ाई के मेन सिम्टम्स है पेट में गुड़गुड़ और दर्द होना, पर इस लड़ाई में कोई विनर नहीं, ब्रैंडन खासकर हारने वाला है। ये सबक वो लंबे समय तक याद रखेगा। अब और बीन्स और दूध नहीं। आज नाश्ते में क्या है? तले हुए अंडे, बिल्कुल, ये अंडे खाने का समय है। अब वो जेन को अच्छे से खिलाएंगे और ताकि उसे नाश्ता बनाने में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए वो माइक्रोवेव इस्तेमाल करेगी। जेन अपने कुकिंग के कारनामों के लिए तैयार है, चलो शुरू करें। मैं इस डार्क हॉट माइक्रोवेव में कितना अकेला हूँ, एक की लाइफ उसकी आँखों के सामने फ्लैश हो रही है। वैसे जेन को किसने खाना बनाना सिखाया? ओह, इसी की उम्मीद थी। माइक्रोवेविंग का पहला रूल, कच्चे अंडे ना डाले। चिप्स और गार्लिक टिप एक कमाल की जोड़ी है, ये ब्रैंडन का पसंदीदा खाना है। पर वो एक चीज भूल गया, ये एक डेट है, किस तो इस कपल के बीच होने ही नहीं वाली। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी गार्लिक की बदबू के सामने नहीं टिक सकती। ब्रैंडन, मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें कुछ दिनों में मिलती हूँ। ब्रैंडन में से काफी समय तक गार्लिक की बदबू आने वाली है, काफी बुरा और बेकार महसूस हो रहा है। क्या कोई माउथ वॉश काम आएगा? अब ठीक लग रहा है। जेन, मेरी जान, मैं आ रहा हूँ। ये गार्लिक थोड़ा नाराज हो गया, कपल उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? एक पसंदीदा स्नैक के बाद तुम्हें अपनी ब्रेथ के लिए कुछ करना चाहिए। किस्मत से इसमें च्युइंग गम काम आएगी। एक मेहनती बी की तरह ये आपके मुंह को साफ सुथरा बना देगी, पर जब तक वो आपकी ब्रसेस में फंस नहीं जाती। ओह नहीं, मुझे टूथपिक लेनी पड़ेगी। सिर्फ वही यहाँ अकेला नहीं है, कितनी अच्छी जेली पड़ोसी है, वहाँ से बाहर निकलो हनी, तुमने अच्छे से काम किया। ओह, यहाँ कुछ फंसा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चलो भी, इसके साथ बाहर आओ। वाह, एक और गमी बेयर, अंदर और कितने छिपे हुए हैं। डिनर तैयार होने से कुछ समय पहले, कोई खाना नहीं चाहता कि उसे खाया जाए। सॉसेज इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो आखिर तक लड़ेगा। ये वाला कितना ढीठ है, मेरे कोप पर आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा शिकार तुम्हारी जंगल में है? पर वो फिसल गया, तुम्हें अपने लंच को अपने हाथों से पकड़ना पड़ेगा। ओह, ये गर्म है। इस बार सॉसेज जीत गया, लड़ाई खत्म हुई। शुक्र है, और सॉसेजेस भी है, मेलिसा भूखी नहीं रहेगी। बेड पर स्नैक्स खाना बहुत बुरी आदत है, पर मेलिसा ध्यान से खा रही है, वो एक टुकड़ा भी नहीं गिरने देगी। अगर बस वो फोन ना आता। नहीं, आप सफाई के बारे में तो भूल ही जाए। पर बातें इतनी मजेदार है कि मेलिसा को कुछ ध्यान नहीं रहा, और अब वो सो सकती है, पर वो अच्छे से भी नहीं सो पाएगी।
वो छोटे छोटे बेड के दुश्मन उसे चुभेंगे और काटेंगे। एक इंसान के लिए कोई दया नहीं। करवट लेने का कोई फायदा नहीं। क्रम्स तुम्हारी नाजुक स्किन पर हर जगह अटैक करेंगे। ये क्या हो रहा है? अब इन विलेंस को भगाने का समय है। यहाँ से निकलो। लगता है जगह साफ हो गई। वो शांति से सो सकती है। मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ये क्या है? स्वादिष्ट लगता है। मुझे इसे ट्राई करना चाहिए, पर ब्रैंडन को पहले लेबल को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए था। ये एक टॉक्सिक वेस्ट कैंडी है, जिसे सबसे खट्टी कैंडी भी कहा जाता है। ओह नहीं, शुरू करते हैं। ब्रैंडन अब इस खट्टे मॉन्स्टर से दया मांग रहा है। कैंडी उसके फेस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगी, गुदगुदी करेगी और वो उसे परेशान करेगी। और खट्टा टेस्ट पहले ही उसके दिमाग तक पहुंच गया है। नहीं हनी, अब तुम्हारे बाहर जाने का समय है और अपनी दोस्तों को भी साथ ले जाओ। क्या आपको खट्टी कैंडी पसंद है? हमें कॉमेंट्स में बताएं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही प्यास को बिना रोए काट सकते हैं। जीन उनमें से एक नहीं है। आंसू अभी से ही बहने लग गए। मुझे लग रहा है जैसे मैं अब तक की सबसे सैड मूवी देख रही हूँ। चलो मैं तुम्हें एक हग देता हूँ हनी। इस कपल को देखो, ये साथ होने के लिए नहीं बने। आंसुओं की बाढ़ नहीं रोकी जा सकती। जीन को बुरी तरह रोना आ रहा है। वो इस प्यास को बाद में काटेगी। तुम कहाँ जा रही हो हनी? तुम सबसे अच्छा पार्ट मिस कर रही हो। मत जाओ। जब आप जागे नहीं रह सकते तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है एक कप गर्म फ्रेश कॉफी। जेम सो मत, उठ जाओ। कॉफी की एक सिर्फ कमाल कर सकती है। वो एक सख्त जिम टीचर की तरह है। वो आपको ट्रैक पर रखता है और आपको अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इससे अच्छा पर्सनल ट्रेनर हो ही नहीं सकता। इसके साथ आप पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं अगर ऑडियंस चाहे तो। पर कुछ देर बाद कॉफी आपका साथ छोड़ देगी। वो नामुमकिन है। एनर्जी हमेशा के लिए नहीं रह सकती और जेना भी के लिए यही सो जाएगी। स्वीट ड्रीम्स। ऑरेंजेस बहुत बदमाश होते हैं। जैसे ही आप उन्हें छीलना शुरू करते हैं वो शुरू हो जाते हैं। जूस चारों तरफ फैलता हुआ। हे, पहले ही बहुत हो गया है, रुक जाओ। पर मेलिसा के पास एक प्लान है ऑरेंजेस को शांत करने का। ये बढ़िया है, अब बरसो जहाँ तुम चाहो। हे, ये ठीक नहीं है, ऐसा करना अलाउड नहीं है। हो गया, और नहीं छीलना। अब मीठा मीठा जूसी रिवॉर्ड मिलेगा। ये एक लड़ाई थी जो ऑरेंज हार गया और यही उसके सभी भाइयों का भी नसीब है। लिस्ट में और क्या है? ओह हाँ, सोडा। तुम यहीं पर रहो। ओह, और मैं चिप्स भूल गई। और मुझे एक और डिपार्टमेंट पर जाना है। मेलिसा मेन ढोल भूल गई। सोडा की शॉपिंग कार्ट में तबीयत बहुत खराब हो सकती है, उसे ध्यान रखना चाहिए। पर मेलिसा को ये घर जाकर ही पता चलेगा जब वो बोतल खोलेगी। स्प्राइट स्टोर में हुए भयानक काम का बदला लेगा। वो अजीब था, उसके लिए माफ करना। पर माफी नहीं चलेगी। यहाँ सब कुछ मीठा और चिपचिपा हो गया। क्या आपको ये खाने में जान आ जाने वाली वीडियो पसंद आई? कौन सा आपका फेवरेट था हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप ऐसे ही और नए स्केचेस ट्रूम ट्रूम पर मिस ना करें।